तो हेलो एंड वेलकम बैक टू सक्सेस ड्रीम वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी। सो आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ स्टिचिंग की एक न्यू क्लास, जिसमें मैं आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बिब बनाना सिखाया था, उससे पहले मैंने आपको एक स्कर्ट बनाना सिखाई थी। तो स्कर्ट के ऊपर का जो टॉप होता है वो मैं आज आपको बनाना सिखाने वाली हूँ। तो पहले हम अपने ब्राउन पेपर से ड्राफ्टिंग कर लेंगे। उसके लिए हमें चाहिए इंची टेप, चॉक एंड मस्ट ब्राउन पेपर एंड ऑल्सो सीजर। तो इन सारी चीजों से पहले मैं आपको ड्राफ्टिंग दिखाऊंगी टॉप की, देन उसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे, ठीक है। तो हम एक 16-17 साल की लड़की का टॉप बना रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जितनी हमने लेंथ रखनी है उतनी हम यहाँ से लेंथ नाप लेंगे कॉर्नर से, ठीक है। जितनी भी आपको टॉप रखना है, वेस्ट तक रखना है या फिर हिप से नीचे तक रखना है, वहां तक का आपको मेजरमेंट लेना है। अभी फिलहाल मैंने वेस्ट तक का नाप लिया है तो वो 18 आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ 18 पर निशान लगा दूंगी, देन फिर हम जो हमारे तीरा होता है उसका निशान लगाएंगे। ये जो हमारा फोल्डिंग साइड है वहां से मैं निशान लगा रही हूँ, और ये मेरा ब्राउन पेपर भी जो है वो फोल्ड है। आपको कपड़े को भी सेम ऐसे ही फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमारा जो तीरा था वो 15 था, तो 15 के हाफ 6.5 होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ 6.5 का निशान लगा दूंगी, ठीक है, इस तरीके से। और हम एक बच्चे का टॉप बना रहे हैं तो 6.5 ही हम क्या करेंगे, अपना मुड्ढे का निशान लगा देंगे। तो पहले मैं यहाँ निशान लगा दूंगी और अब मैं इस लाइन को इससे जोड़ दूंगी इस तरीके से, एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए, ठीक है। अब बाकी जो हमारा पार्ट है उस पर भी मैं यहां से एक स्ट्रेट लाइन लेते हुए यहां पर भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी पूरा, ठीक। अब ये तो हमारे हो गए मुड्ढे, अब हमें लेना है अपने चेस्ट का निशान, ठीक है। तो वो भी हमारी 15 थी, सो 15 के हाफ अगेन 6.5, लेकिन हमें थोड़ा सा इसको कटिंग में भी देना है और स्टिचिंग में भी देना है। तो मैं इसका 7 पर निशान लगा रही हूँ, ठीक है। और हमारी जो यहां से देन आपको फिर 7 इंच का लेते हैं हम एडल्ट के लिए, लेकिन अभी हम बच्चे का कर रहे हैं तो यहाँ हम 5 पर निशान लगा देंगे। तो इट मीन्स ये जो मैंने निशान लगाई है हमारा वेस्ट का निशान है, तो जहां पर भी आपकी कमर आ रही है वहां पर आपको निशान लगाना है। कमर का नाप मैंने लिया था तो वो 26 है, ठीक है। 26 के आधे 13 हो गए और 13 के आधे 6.5, तो यहां पर मैं निशान लगा दूंगी 6.5 का इस तरीके से, ठीक है। देन अगेन फिर हमें यहां तक मैंने नाप लिया था तो अब मैं लगा दूंगी हिप का निशान। हिप हमारे 30 थे तो 30 के आधे 15 और 15 के आधे 7.5, तो यहां पर हमें क्वार्टर के हिसाब से जो है वो निशान लगाना है, ठीक है। 1/4 हमें जो है वो निशान लगाना है, तो यहाँ पर मैंने इसको 7.5 पे मैंने इसको मार्क कर दिया है। अब आपको सिंपल क्या करना है, इनको इंक्लूड करते जाना है, ठीक है। जैसे मैंने ये यहां से यहां जोड़ दिया और इसको मैंने यहां से यहां जोड़ दिया, ठीक है। तो ये हमारे टॉप की जो है वो ड्राफ्टिंग हो गई। तो ये तो है हमारा स्टिचिंग का निशान, ठीक है। ये हम सिलाई का निशान करेंगे, कटिंग के लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा रख देंगे, ठीक है, यहां से। तो अब मैं यहां से भी क्या करूंगी, निशान को लगा दूंगी। ये जो मेरा निशान है कटिंग का है और ये जो मेरा निशान है ये स्टिचिंग का निशान है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब जो हमारा मुठ्ठा है इसको हम रेडी कर लेते हैं। यहां पे मैंने आपको 1 इंच का जो है वो निशान लगाना है अंदर की तरफ, ठीक है। 1 इंच का निशान लगाते हुए यहां से आपको इसको गोलाई दे देनी है, ठीक है। तो ये आपका मुठ्ठा एकदम परफेक्ट बैठेगा, आपको इस तरीके से गोलाई दे देनी है। और ये हमारा आगे वाला पार्ट होगा तो इसको आपको हल्का सा गहरा रखना है, ठीक है। लेकिन वो अभी आपको अभी नहीं करना है, अभी आप ऊपर वाले निशान पे ही कटिंग करेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां से मुठ्ठे से कटिंग करना स्टार्ट कर दूंगी, और जो मैंने निशान लगाया है ऊपर वाला ही उसी पर मैं जो है वो सीजर को अपने चलाऊंगी, ठीक है। अब हम यहां से भी इसकी कटिंग कर देंगे। आप चाहें तो थोड़ा बहुत और कपड़ा एक्स्ट्रा रख सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा होगा तो हम उसको कट करके या फिर स्टिच करके जो है वो बराबर कर लेंगे, लेकिन आपका कपड़ा कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर वो एक बार कम हो गया तो फिर आप उसको बढ़ाने में बहुत दिक्कत होगी। अब यहां से हम बॉटम की भी कटिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ ताकि जो भी मेरे मेजरमेंट है वो परफेक्ट बैठ जाए, ठीक है। और अगर ये बड़ा हो जाता है तो मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा फोल्ड कर दूंगी अंदर की तरफ, या फिर मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। तो ये हो गई हमारी टॉप की ड्राफ्टिंग।
ये सिर्फ आगे का पार्ट है, ठीक है, ये हमारा सिर्फ आगे का पार्ट है। पीछे के पार्ट के लिए आपको ब्राउन पेपर को 4 बार फोल्ड करना होगा, ठीक है। सो ये ऐसे ही आपको सेम पीछे का रखना है, सो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसको सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, एक और पार्ट इसका बनाना है आपको, ठीक है। अब ये जो मेरा बचा हुआ ब्राउन पेपर है, इस पर मैं बना लूंगी अपनी स्लीव्स, क्योंकि हमारा फर्स्ट टॉप जो है वो फुल स्लीव्स का है, तो यहाँ पर मैं स्लीव्स बना लूंगी। तो मैं इसको 4 तह में इसको मैं फोल्ड कर लूंगी। आपको जितनी लंबी स्लीव चाहिए आप उतनी लंबी स्लीव ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मेरी जितनी स्लीव्स है, जितना मेरा ब्राउन पेपर है, उतनी मैं रख रही हूँ। 14.5 ये आ रहा है, 14.5, सो मैं इतनी ही रख दूंगी इसको। अब हम ऊपर से मुट्ठे का निशान लगा लेंगे। ये जो हमारी क्लोज वाली साइड है, यहाँ से आपको निशान लगाना है। हमारा हमने जो मुट्ठा रखा था वो 6.5 रखा था, हल्का सा मैं इसको ज्यादा करते हुए 7 पे निशान लगा दूंगी, ठीक है। इस तरीके से आपको हल्का सा टेढ़ा करते हुए ही इंची टेप से निशान लगाना है। अब मैं क्या करूंगी, यहां से मैं इसको गोल कर दूंगी, जैसे हम आस्तीन को गोलाई देते हैं ना, सेम वैसे ही। अब जो मेरा ये बचा हुआ पार्ट है, इसको मैं कटिंग नहीं करके ऐसे कर दूंगी, ठीक है। सीधा मैंने इसको कर दिया है एक तरफ से, और फिर मैं इसको यही कॉर्नर पे से निशान लगाते हुए जितनी मुझे पतली स्लीव चाहिए मैं उतनी पतली जो है वो स्लीव ले लूंगी, ठीक है। अब हम इसकी भी क्या कर देंगे, कटिंग कर देंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ साइड में से कटिंग कर लूंगी। यहाँ पर भी मैंने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रखा है ताकि मैं सिलाई में भी इसको अच्छे से ले सकूं और कटिंग में भी ये मेरे हो जाए, क्योंकि आप थोड़ा बहुत ज्यादा रखिए कपड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में स्टिचिंग में चला जाता है, लेकिन आपको कपड़ा जो है वो कम नहीं रखना है। अब जो यहां से है मुड्ढा, इसकी भी मैं कर देती हूँ कटिंग। तो पहले तो मैं यहां से इसको सीधा कट करूंगी, देन उसके बाद हल्का सा गोल कर दूंगी। तो ये भी हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। ये हमें 2 आस्तीन मिल चुकी हैं, एक ये रही और एक ये रही। सेम ऐसा ही आपको टॉप के साथ भी करना है, 4 टाइम फोल्ड करना है अपने कपड़े को, ठीक है। तो ये हमारी ड्राफ्टिंग हो चुकी है दोनों चीजों की, टॉप की भी और स्लीव की भी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सेम कपड़े पे कट करेंगे और फिर हम उसकी स्टिचिंग करेंगे। तो अब मैं, मेरे टॉप की तो कटिंग हो गई है, अब मैं इसमें गले की कटिंग कर लूंगी। देखो अगर आप एडल्ट हो तो आपको 4 रखना है ये जो हमारा मुड्ढा होता है, लेकिन अभी हम फिलहाल छोटे बच्चे का बना रहे हैं तो मैं ये 3.5 रख दूंगी। 3.5 जो होगा हमारा मुड्ढा हो जाएगा। अब आपको जितनी आपको गोलाई लेनी है आपको गले की, आप उतनी ले सकते हो। यहाँ पर मैं स्माइली गला बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं 3 तक जो है वो निशान ड्रॉ कर दूंगी, क्योंकि मुझे अपने गले की लेंथ सिर्फ इतनी ही चाहिए, ठीक है। 3 से फिर मैं यहाँ पर भी सेम वैसे ही निशान लगा दूंगी। अगर आपको गोल गला बनाना है या फिर कोई अदर गला बनाना है तो आप वो ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन यहाँ मैं सिंपल स्माइली वाला गला बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सेम जैसे हमने मुट्ठे में किया था ना, वैसे ही हम इसमें कर देंगे। 1 इंच अंदर लेते हुए मैं इसको गोल कट कर दूंगी, ठीक है। स्माइली वाले गले में क्या होता है, वो हल्का सा जो है इधर से छोटा होता है और यहाँ से भी वो हमारा थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो अब मैं कर दूंगी इसकी कटिंग। और आप अपने हिसाब से, आपको जैसा गला चाहिए आप वैसा गला रख सकते हो। सो ये हमारा गला भी तैयार हो चुका है। तो मैंने ये अपने कपड़े पर भी सेम कटिंग कर ली है, जैसे मैंने पेपर ब्राउन पेपर पे की थी वैसे ही मैंने यहाँ कटिंग कर ली है, ठीक है। स्लीव्स भी हमने काट ली है और हमने टॉप की भी जो है वो कटिंग कर ली है। अब हम कर लेते हैं इसको स्टिच। तो अब हमने जो गला कट किया था, ये जो हमने गले की कटिंग करी है, इसको हम एक पाइपिंग की हेल्प से मोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा ये बुकरम वाला कपड़ा है, सॉरी ये हमारा सितारे वाला कपड़ा है, तो इसलिए हम इस पर बुकरम वाला गला नहीं बना रहे हैं, हम इस पर सिंपल गला बना रहे हैं जो मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक सिंपल कपड़े में से आड़ी पट्टी काट लेनी है, ठीक है। जितनी लंबी हो सके आप उतनी आड़ी पट्टी जो है वो काट सकते हो। तो यहाँ पहले मैंने निशान लगा दिया है, अब इसको मोड़ने के लिए मैं इसमें से 1.5 इंच का जो है मैं ये पट्टी निकाल लूंगी, ठीक है। आपको ऐसे ही 1.5 इंच के निशान लगाते रहने हैं और इसको कट कर लेना है। तो यहाँ मैं एक सीधी लाइन जो है वो ड्रॉ कर लूंगी,
अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। दो पट्टी काट लूंगी क्योंकि हमें आगे पीछे दो गले बनाने हैं, ठीक है? तो सेम ऐसे ही मैं एक और पट्टी काट लूंगी। अगर ये थोड़ी चौड़ी या पतली होती है तो कोई दिक्कत नहीं, वो हमारी मोल्ड में हो जाएगी। अब हम कर लेते हैं अपनी स्टिचिंग। तो सबसे पहले मैंने ये जो हमारा टॉप है उसका एक पार्ट मैंने अलग कर दिया है। अभी फिलहाल हम अपने एक ही पार्ट पर जो है वो वर्क करेंगे। तो ये जो मेरा गला है, सबसे पहले जो हमने आड़ी पट्टी काटी है इसको मैं यहाँ से जोड़ते हुए एक सिंपल जो है मैं वो सिलाई लगा दूंगी लगा देंगे पहले इस पर मैं सिंपल स्ट्रेट जो है वो मैं सिलाई लगा दूंगी। दोनों पैर की आपको सिलाई लगानी है, ठीक है? दोनों पैर आपके कपड़े के ऊपर होने चाहिए। यहां से मैं इसको बहुत ही ध्यान से सिलाई लगा दूंगी। आगे चल के मैं आपको बुकरम से कैसे गले बनाते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये हमारी पूरी सिलाई जो है वो लग चुकी है। सो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इसको मैं ये सीधे की तरफ मैंने लगाई थी, अब मैं इसे उल्टे की तरफ कर दूंगी, ठीक है? क्योंकि हमें बिल्कुल भी कपड़ा अपना दिखाना नहीं है, बिल्कुल इसको आपको हिडन कर देना है। अंदर की तरफ मोड़ते हुए थोड़ा सा मैं इस कपड़े को यहां से ऐसे मोड़ूंगी और फिर मैं इसको पलट दूंगी, ठीक है? अगर आपके पास मैचिंग का कपड़ा नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी कपड़ा लगा सकते हो क्योंकि ये हमारा बिल्कुल अंदर हाइड हो जाएगा, ठीक है? इसको हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। और यहाँ हम लगा देंगे सिलाई। इस तरीके से मैं अपनी पट्टी को मोड़ती जाऊंगी और सिलाई से जो है वो मैं लगा दूंगी। तो ये देखिए, ये हमारा गला जो है वो रेडी हो चुका है। जो मैंने अंदर येलो कपड़ा लगाया था वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है बाहर। सेम आपको भी ऐसे ही सिलाई लगानी है। अब जैसा मैंने यहाँ बनाया है सेम वैसा ही मैं बैक साइड में नेक का गला बना दूंगी। तो ये देखिए, मेरे दोनों नेक जो है वो तैयार हो गए हैं। मेरा फ्रंट साइड का नेक है, मेरा बैक साइड का नेक है। अब हमें क्या करना है, अपने कपड़े को सीधा करते हुए दोनों सीधी साइड मैंने एक साथ कर ली है, ठीक है? ये दोनों सीधी साइड में अंदर रखनी है, उल्टी साइड में बाहर की तरफ रखनी है। और इसको अच्छे से जोड़ते हुए मिलाते हुए हमें क्या करना है, मुड्ढे पर जो है वो सिलाई लगा देनी है, ठीक है? एक आधा इंच मैं छोड़कर सिलाई लगा रही हूँ, ठीक है? और अब हमें इस पर सीधी सिलाई लगा देनी है सिंपल। डबल सिलाई में यहाँ लगा दूंगी। अब सेम ऐसे ही मैं दूसरे मुड्ढे पर भी सिलाई लगा दूंगी। ये जो मेरा फिटिंग का निशान था उसको मैंने थोड़ा सा और डार्क कर लिया है ताकि मुझे सिलाई लगाने में आसानी हो। अब ये निशान हमें सेम वैसा ही इधर भी लगाना है, तो मैं क्या करूंगी, अपने कपड़े को जो है इसके ऊपर मैं बराबर जो है वो रख दूंगी अच्छे से सेट करके, और मैं हल्का सा इसको डैप डैप करूंगी। और ये देखिए जादू, तो ये हमारे दोनों तरफ जो है वो निशान लग चुके हैं। इधर भी हमारा चौक का निशान आ गया, तो हमें दो दो बार निशान लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम कर देंगे इसको स्टिच।
तो यहाँ पे मैं अपनी फिटिंग का निशान लगा दूंगी। ये मैंने थोड़ा सा एक इंच मैंने इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि हमें मुड्ढे पे आस्तीन लगानी है ताकि हमें दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा जो है वो कपड़ा छोड़ दिया है पहले ही। अब जहां पर मैंने चौक का निशान लगाया है वहीं पर आपको निशान के साथ साथ ही आपको क्या करना है, सिलाई लगाते रहना है। अच्छे से आपको कपड़े को बराबर पकड़कर इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। यहां पर मेरे कमर का जो है वो पॉइंट आ गया है तो मैं यहां पर इसको टर्न कर दूंगी। यहाँ पर मैं लगा दूंगी सिलाई। हल्का सा हम बलून टॉप बना रहे हैं जो कि थोड़ा सा फ्लेयर होगा और अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा ज्यादा मोड़ा है। और मैं अपना थ्रेड कट कर दूंगी। सेम ऐसे ही आपको दूसरी तरफ भी सिलाई लगानी है, ठीक है? तो ये जो मैंने आस्तीन अपनी काटी है इसको भी मैं अब हम लगा देंगे अपनी आस्तीन, क्योंकि हमारे टॉप पर दोनों तरफ जो है वो सिलाई लग चुकी है, दोनों तरफ से हमने अपने टॉप को बंद कर दिया है। अब मैं मुड्ढे की सिलाई लगा दूंगी। मुड्ढे की सिलाई लगाने के लिए आपको इसको बराबर पकड़ना है, यहाँ पर आपको चौक से निशान लगा देना है ताकि आपको याद रहे कि ये हमारा सेंटर है, ठीक है? सेंटर वाले निशान से ही आपको ये कपड़ा आपका सीधा होना चाहिए और इसको खोलकर ये भी सीधा होना चाहिए और इसको यहाँ आपको इस तरीके से रखना है, ठीक है? सेंटर का जो हमारे ये मुड्ढे का सेंटर है, ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर दोनों को आपस में मिला के तब आपको जो है वो आस्तीन लगानी है, ठीक है? इस तरीके से यहां मैं सिलाई लगा दूंगी मुड्ढे पे। बहुत ही केयरफुली आपको सिलाई लगानी है। थोड़ा सा आधा इंच का जो है हम कपड़ा छोड़ देंगे। ये देखिए मेरे दोनों ही कपड़े बिल्कुल बराबर हैं। अब यहां मैंने एक तरफ सिलाई लगा ली है, अब मैं यहीं से सेंटर से ही दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेती हूँ। क्या होगा, सेंटर से सिलाई लगाने से आपका मुड्ढा एकदम बराबर आएगा, ना ही तो वो इधर होगा ना ही उधर होगा, ठीक है? तो इसलिए हमेशा पहले सेंटर पर निशान लगाएं, देन उसके बाद स्टिचिंग करें। तो यहाँ पर मैं दूसरी साइड भी मैं वैसे ही सिलाई लगा दूंगी सिंपल। और ध्यान रहे एक ही कपड़ा आपको लेना है, ठीक है? दूसरा कपड़ा नहीं आना चाहिए सिलाई में। बॉटम पार्ट है इसको मैं कपड़े को अपने डबल फोल्ड करते हुए यहां पर भी मैं सिलाई लगा दूंगी, ठीक है? एकदम स्ट्रेट आपको सिलाई लगा देनी है। तो ये मैंने अपनी स्लीव्स के बॉटम पर सिलाई लगा ली है। अब मैं सेम ऐसे ही अपने दूसरे बॉटम पे भी ऊपर मुड्ढा जोड़ूंगी, ठीक है? उससे पहले मैं इस पे सिलाई लगा देती हूँ अंदर की तरफ। ये जो मैंने हल्की सी सिलाई छोड़ी थी 2 इंच की, यहीं से मिलाते हुए मैं इस सिलाई को आगे की तरफ कर दूंगी, ठीक है? आपको अगर ढीली स्लीव चाहिए तो आप थोड़ी कम सिलाई लगा लीजिए, अगर आपको नॉर्मली चाहिए तो देन वैसे ही लगाइए। अपनी आस्तीन पर भी जो है वो सिलाई लगा दूंगी। थोड़ी सी मैं फ्लेयर वाली अम्ब्रेला आस्तीन बना रही हूँ क्योंकि हमारा जो टॉप का बॉटम हिस्सा है वो भी हमने ऐसे ही रखा है, तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा फ्लेयर देते हुए मैं इसको यहाँ पे एंड कर दूंगी। ये हमारी एक स्लीव जो है वो पूरी
रेडी हो चुकी है। अब मैं सेम ऐसे ही अपनी दूसरी स्लीव पर भी सिलाई लगा दूंगी। ठीक है, हमने जो है आस्तीन अपनी दोनों जोड़ दी है। अब जो हमारा नीचे वाला पार्ट है इसमें से मैंने हल्की सी सिलाई इधर करके अब मैं इसको अंदर की तरफ मोड़ दूंगी। ठीक है, आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, कपड़ा लेना है, पहले एक तय लगानी है, देन फिर दूसरी तय लगा देनी है। ठीक है, देन इसको फोल्ड कर देना है। तो हम इसको फोल्ड कर देते हैं। तो ये हमारा टॉप जो है वो रेडी हो चुका है पूरा। देखो यहाँ से भी हमने थोड़ा सा इसमें फ्लेयर दिया है और सेम ऐसे ही हमने अपनी स्लीव्स में किया है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो हमारी क्लास को जल्दी से लाइक कर दें। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।